थाना सेक्टर 63 में, यहीं सेक्टर 63 में एक मकान किराए पर ले करके वहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। और वस्तुतः इस कॉल सेंटर के पीछे एक ग्रुप बना हुआ था, फाइनेंस हब ग्रुप करके। लोगों को, जनसामान्य को, जो लोग भोले भाले लोग हैं, उनको लोन दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल करके, उनसे विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर एग्रीमेंट करके, उनसे अप्रूवल लेटर बनाने के नाम पर और अन्य कागजात तैयार करने के नाम पर पैसा ट्रांसफ़र करते थे उनके खातों से। 25,000 से 30,000 रुपये लगभग इनका मोटा मोटी शुल्क होता था। ये 6 लोगों का गैंग है। जो गैंग का सरगना है मुख्य रूप से विपिन कुमार, ये अब तक की जो पूछताछ हुई है, इसी प्रकार के अपराध में बिहार से भी जेल जा चुका है, जिसके संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाना शेष है। जो पूछताछ से जानकारी हुई है वो ये स्पष्ट हुई है। 6 लोगों का ये गैंग है। 6 लोगों में सारे लोग NCR जोन में ही रह करके इस समय ये ऑपरेट कर रहे थे, पूरा अपना ये गैंग का काम, दिल्ली, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और 2 लोग इसमें से गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के हैं, 2 कासगंज के हैं और 1 एटा का, 1 अलीगढ़ का। गैंग का सरगना जो विपिन कुमार है, वो इनके इनको लेकर के सब ये ऑपरेट करता था। लोन अप्रूवल के नाम पर कमीशन, फाइल चार्ज के नाम पर कमीशन, ये सब हटते थे। अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं ये लोग? ये कई लोगों से किए जाने के बाद अब तक आई है। कई बैंक खाते इनके हैं और लगभग 14 लाख से ऊपर की रकम जो है उन खातों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से प्राप्त हुई है। उन बैंक खातों को सीज कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है पुलिस द्वारा। हम समझते हैं जो राशि है इसके हिसाब से, क्योंकि इनकंटिन्यूशन इनका चल रहा था, अब तक ये करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले कहां ये यही ठिकाना बना करके ऑनलाइन करना था। कहीं के लोग भी अगर आ गए, जो लोग इस इलाके में निवास कर रहे हैं या किसी वजह से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके नाम पर अगर बैंक लोन चाहिए तो उसको बैंक लोन के नाम पर ये करते थे। इनसे जो बरामदगी है वो 12 जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर मैक कीबोर्ड के जो इसी काम में लाते थे, 14 कीपैड मोबाइल हैं भिन्न भिन्न कंपनी के, 4 टच स्क्रीन के मोबाइल हैं और 14 इनसे फर्जी लोन अप्रूवल के सर्टिफिकेट भी मिले हैं, और जो जितनी स्टेशनरी वगैरह है वो मिली है, 3 गाड़ियां मिली हैं, कार हैं जो इनके परिवारजनों के नाम पर हैं, किसी भी वो इसी अपराध करने के काम में प्रयुक्त की जाती थी और वहीं से बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिल रही थी, ये आप जानते हैं कि नोएडा में जो है साइबर क्राइम का एक पूरा हब बना हुआ है, तमाम जगहों से लोग आकर के इस काम को यहाँ कर रहे हैं, तो विगत में भी कई कार्रवाइयाँ यहाँ से हुई हैं। उसी आधार पर इस गैंग के ऑपरेट करने की सूचना मिल रही थी, कई बार लोगों के माध्यम से मिलती सूचना, तो हम लोग लगे हुए थे और इंटेलिजेंस के माध्यम से अपना मैनुअल भी कर रहे थे। उसी के आधार पर जब जानकारी मिली तो इस सटीक मुखबरी के आधार पर, जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई।